The Visionary Leader Series, Episode 2, Elon Musk. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईपी का मीटर फिल्म्स के शो द विजनरी लीडर सीरीज में। मैं हूं आपका होस्ट ईश्वर प्रसाद, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो अपने सपनों को जीता है और दुनिया को बदलने की कोशिश करता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एलोन मस्क की, जो टेस्ला, स्पेसएक्स और कई और प्रोजेक्ट्स के जरिए दुनिया की तस्वीर बदल रहे हैं। उनका सफर उतार चढ़ाव से भरा है, लेकिन उनका विजन कभी धुंधला नहीं हुआ। तो चलिए एक कप चाय या कॉफी उठाइए और आराम से बैठिए, क्योंकि आज हम एलोन मस्क की कहानी सुनने वाले हैं। यह सिर्फ उनकी सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जो हमें सिखाता है कि सपने सच हो सकते हैं, अगर आप हिम्मत और मेहनत से जुटे रहें। एलोन मस्क का शुरुआती सफर। तो शुरुआत करते हैं मस्क के बचपन से। एलोन मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। एक साधारण परिवार, लेकिन बड़े सपने। मस्क बचपन में बहुत ही शांत और अपने में खोए रहने वाले थे। जबकि बाकी बच्चे खेलकूद में लगे रहते, मस्क का ज्यादातर वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था। साइंस और फिक्शन से उन्हें बहुत प्यार था। इसी दौरान उन्होंने 12 साल की उम्र में पहला वीडियो गेम बनाया और उसे बेच भी दिया। सोचिए, इतनी कम उम्र में ही वो कमाई करने लगे थे। फिर मस्क ने अमेरिका का रुख किया और अपनी पढ़ाई के साथ साथ जिप दो और पेपाल जैसी कंपनियां शुरू की। पेपाल के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, ऑनलाइन पेमेंट का इतना बड़ा नाम। पेपाल को उन्होंने बेच दिया और जो पैसे मिले उनसे उन्होंने अपनी अगली बड़ी यात्रा की शुरुआत की। लेकिन मस्क सिर्फ पैसे कमाने में नहीं, दुनिया में बदलाव लाने में यकीन रखते थे। सेगमेंट दो, टेस्ला का सफर और इलेक्ट्रिक कारों का भविष्य। अब बात करते हैं टेस्ला की। मस्क का मानना था कि दुनिया को बदलने के लिए हमें फ्यूल गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक कारों पर शिफ्ट करना होगा। 2004 में जब उन्होंने टेस्ला में निवेश किया तो बहुत से लोग इसे मजाक मानते थे, लेकिन मस्क की दूरदृष्टि ने उन्हें कभी हार मानने नहीं दी। उन्होंने टेस्ला के शुरुआती मॉडल्स पर काम किया, जैसे कि मॉडल एस और मॉडल एक्स, लेकिन असली धमाका हुआ मॉडल 3 के साथ। मॉडल 3 ने न केवल इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में क्रांति ला दी, बल्कि इसे हर आम आदमी के लिए संभव भी बनाया। आज टेस्ला दुनिया भर में जानी जाती है, और इसका श्रेय मस्क की कभी हार न मानने वाली सोच को जाता है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिक कारें न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर हैं, बल्कि इनका भविष्य भी बेहद चमकदार है। सेगमेंट 3, स्पेसएक्स और अंतरिक्ष का सपना। एलोन मस्क की एक और अनोखी पहल थी स्पेसएक्स, एक ऐसी कंपनी जो अंतरिक्ष में जाने का सपना हर इंसान के लिए संभव बनाना चाहती है। दोस्तों, मस्क का सपना हमेशा से बड़ा था। उन्होंने स्पेसएक्स इसलिए शुरू किया क्योंकि वो मानते थे कि इंसान को सिर्फ धरती तक सीमित नहीं रहना चाहिए। शुरुआत में 3 लॉन्च फेल हुए, लेकिन मस्क ने हार नहीं मानी। चौथे लॉन्च के साथ उन्होंने साबित कर दिया कि निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष में बड़ा रोल निभा सकती हैं। आज स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट्स ने अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता और सुरक्षित बना दिया है। और उनकी सबसे बड़ी चाहत, मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाना। क्या आप सोच सकते हैं कि एक दिन हम मंगल पर रह सकते हैं? मस्क का सपना यही है, और स्पेसएक्स का स्टारशिप प्रोजेक्ट इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। सेगमेंट 4, द बोरिंग कंपनी, ट्रैफिक की समस्या का हल। अब थोड़ा जमीन पर लौटते हैं और बात करते हैं मस्क की एक और क्रांतिकारी सोच की, द बोरिंग कंपनी। दुनिया भर में ट्रैफिक एक बड़ा मुद्दा है। मस्क का मानना है कि इसका हल जमीन के नीचे सुरंगें बनाकर हो सकता है। द बोरिंग कंपनी का मकसद है भूमिगत सुरंगों के जरिए ट्रैफिक जाम से बचने का रास्ता निकालना। हाइपरलूप जैसी हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन तकनीक की कल्पना मस्क ने की है, जो ट्रेनों से भी तेज होगी। यह सोच सिर्फ सपना नहीं है, इसके प्रोटोटाइप तैयार हो चुके हैं। मस्क के मुताबिक भविष्य में हम शहरों के नीचे तेज रफ्तार से यात्रा कर पाएंगे, और यह ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सुरक्षित और सस्ता तरीका होगा। अब थोड़ा रुककर सोचते हैं, मस्क से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे बड़ा सबक है, कभी हार मत मानो। मस्क की जिंदगी में कई मौके आए जब वो हार सकते थे। स्पेसएक्स के असफल लॉन्च, टेस्ला के आर्थिक संघर्ष या पेपाल के शुरुआती दिन, हर बार उन्होंने चुनौतियों का सामना किया, और यही उन्हें महान बनाता है। दूसरी बात है उनकी अनकन्वेंशनल सोच।
मस्क किसी भी समस्या को एक नए तरीके से देखते हैं और उसे हल करने की कोशिश करते हैं। उनकी सोच अलग होती है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप एक बड़ी सोच रखते हैं और उसे सच में बदलने के लिए मेहनत करते हैं तो कुछ भी संभव है। समापन। दोस्तों, एलोन मस्क की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर आपके पास बड़ा सपना है और आप उस पर यकीन करते हैं तो रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, आप उन्हें पार कर सकते हैं। टेस्ला, स्पेसएक्स, द बोरिंग कंपनी, यह सब मस्क के विजन का हिस्सा हैं और उन्होंने यह सब अपनी मेहनत और अडिग इच्छा शक्ति से किया है। आपके समर्थन से हमें प्रेरणा मिलती है। तो अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल EP का मीटर फिल्म्स को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहें। विशेष धन्यवाद अनिकेत सिंह, कोटेश्वर रेड्डी और राम नेपोलियन सर, जो इस एपिसोड को संभव बनाने में हमारे साथ रहें।